हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन मोहरी देवी दापड़िया गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू प्रूव दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड द पोएम नेम इज द सॉलिटरी रीपर विच इज रिटन बाय द ग्रेट रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। दिस इज द थर्ड स्टेंजा विच आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो क्लास, सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट, वॉट इज सॉलिटरी? सॉलिटरी इज अ वर्ड विच डिनोट्स दैट रीपर। रीपर इज अ गर्ल। इन दिस पोएम रीपर इज अ गर्ल हु इज कटिंग lonely harvest, who is cutting harvest in solitude, means in loneliness. So I hope you understand what is the meaning of the title, the solitary reaper. So let's begin with the third stanza. Ab sabne first stanza aur second stanza iska dekh liya. First stanza mein ye bata raha hai reader ko as a आप बोल सकते हैं कि पैसेंजर और ट्रैवलर मान के बोल रहा है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। उस लड़की को देखो जो सिंगल खड़ी हुई है फील्ड में, सिंगल है, अकेली है, मीन सॉलिट्यूड में है, और वो अपनी हाईलैंड लेस पे एक पहाड़ी पे अपनी जो है रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, दोनों काम पैरेलल कर रही है, जो है काट भी रही है हार्वेस्ट को और उसके अलावा क्या कर रही है, गाना भी गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो तुम रुक जाओ या जेंटली पास कर जाओ, उसको डिस्टर्ब मत करो। अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वो काट रही है और अकेली ही वो उन काटे हुए धान को जो है बांध रही है। एंड सिंग्स ए मेलनकोली स्ट्रेन, और मेलनकोलियस गाना गा रही है, दुखी गाना गा रही है। ओ लिसन, फिर रीडर को ये जो है बोल रहा है, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, कि पूरी वेली उसके साउंड से ओवरफ्लो हो गई है, वो इतना अच्छा और थ्रिलिंग वॉइस में अपना सॉन्ग गा रही है। देन सेकंड स्टेंजा में है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सेंट्स, कि कोई नाइटिंगेल जो क्या करती है, ऐसा गाना चॉन्ट करती है, ऐसा गाना गाती है, मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स, जो थके हुए ट्रैवलर्स आते हैं, थके हुए लोग जो आते हैं, जो कहाँ बैठते हैं, अपनी पेड़ की छाया में बैठते हैं और अरेबियन सेंट के बीच में पेड़ की छाया में बैठते हैं, जो ट्रैवलर आते हैं उनको वो थकान, उनकी थकान दूर कर देने वाला गाना गाती है नाइटिंगेल। बट योर सॉन्ग इज़ बेस्ट देन नाइटिंगेल, तुम्हारा गाना बेटर है, बेस्ट है नाइटिंगेल से ज़्यादा। यहाँ कंपेयर किया है नाइटिंगेल और कुकू बर्ड से, इस पर्टिकुलर जो रीपर है इसके सॉन्ग को। देन बोल रहा है, अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज। ऐसी कुकू बर्ड जिसकी वॉइस बहुत ज़्यादा थ्रिल वाली है, बहुत ज़्यादा तीखी शार्प है, वो उसकी वॉइस इतनी तेज है कुकू बर्ड की, कि वो जो सी वेव्स जो चलती है उसकी आवाज़ को भी क्या कर देती, तोड़ देती है, मीन्स ब्रेकिंग द साइलेंस, साइलेंस को जो है तोड़ देती है। एमंग द फार्देस्ट हेब्रिडीज, कहाँ से, आयरलैंड पे जो हेब्रिडीज एक आयरलैंड है उस पे जो पहाड़ी बनी हुई, उस पे जो रिवर है, उस पे जो सी है, उसके उससे निकलने वाली वेव्स को भी वो शांत कर देती है, मीन्स कुकू बर्ड इतनी तेज़ गाती है, बट फिर भी तुम्हारा गाना उसके सामने कुछ नहीं है, तुम जो है बहुत अच्छा और बहुत थ्रिलिंग वॉइस में गाती हो। देन आज हम थर्ड स्टेंजा पढ़ने वाले हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। देखो रीपर जो है वो सॉन्ग तो गा रही है, बट क्या गा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में गा रही हो, तो किसी को नहीं समझ आ रहा हो, जो पैसेंजर्स हैं जो सुनने वाले हैं सॉन्ग को, वो उसका जो है लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कोई नहीं क्या मुझे कोई बताएगा नहीं कि वो क्या गा रही है, मीन्स क्या मुझे कोई बताएगा कि वो क्या गा रही है। परहैप्स द पैलेंटिव नंबर्स फ्लो, हो सकता है वो शायद कोई दुखी भरा गाना गा रही हो, पैलेंटिव नंबर्स फ्लो मीन्स कोई दुख भरा गाना, कोई मेलनकोलिक सॉन्ग गा रही हो। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, हो सकता है वो कोई ऐसा गाना गा रही हो जो पहले है ना, फॉर ओल्ड मीन्स पुराना, अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, उसके साथ कुछ पुरानी ऐसी घटना घटित हुई हो जिसके बारे में वो गाना गा रही हो, गाने के थ्रू बताना चाह रही हो कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। लॉन्ग एगो मीन्स लंबे समय पहले, या एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, या हो सकता है कोई युद्ध हुआ हो पहले, उस युद्ध को उसने देखा हो, उस युद्ध की वो कहानी सुना रही हो अपने गाने के थ्रू, तो
तो वो इस टाइप का गाना गा रही है जिसको सुन के जो है सैड फील हो, सोरोफुल मेलनकोलस सॉन्ग वो गा रही है। तो वो मेलनकोलस सॉन्ग का थीम क्या हो सकता है, बेस क्या हो सकता है, कि या तो उसके साथ में अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स हुई होगी, कोई बहुत टाइम पहले कोई पुरानी ऐसी चोट उसको लगी होगी उसका गाना गा रही होगी, या फिर कोई ऐसी बैटल्स रही होगी जिसका वो गाना गा रही होगी, कोई ऐसा युद्ध उसने देखा होगा, और इज इट सम मोर हम्बल ले, या फिर कोई हो सकता है कोई नॉर्मली गाना गा रही हो, फमिलियर मैटर ऑफ टुडे, कोई आज का कोई फमिलियर मैटर हो, कोई छोटा मोटा सा मैटर हो उसी का गाना गा रही हो, है ना, और इज इट सम मोर हम्बल, मोर हम्बल मीन्स कोई नॉर्मल सॉन्ग वो गा रही हो, फमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज का जो मैटर है उससे रिलेटेड गा रही हो, जैसे सपोज अभी कोरोना वायरस चल रहा है उसका कोई गाना गाए, तो हो सकता है कोई ऐसा कोई फमिलियर मैटर वो गा रही हो, या फिर सम नेचुरल सोरो लॉस और पेन, या फिर हो सकता है कोई नेचुरल सोरो, कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे कोई भूकंप है, है ना, जो किसी जैसे जो है बादल का फटना है, ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ हो, उसका उसको अनुमान लग गया हो, ऑलरेडी उसे पता चल गया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब वो ऑलरेडी दुखी हो और वो गाना गा रही हो, या फिर उसने ऐसा कुछ घटित होते हुए देखा होगा उसका गाना गा रही होगी, सब नेचुरल सोरो लॉस और पेन, कुछ नेचुरल सोरो रहा होगा, कोई लॉस हुआ होगा, कोई पेन हुआ होगा, कोई बाढ़ आ गई, कोई फ्लड भूकंप कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी अगर आया है तो हो सकता है उसको ऑलरेडी या तो ऐसा दिमाग में पता चल गया या फिर वो उसने देखा हो तब वो गाना गा रही हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है अब वो होने वाला हो, मे बी अगेन, क्या पता वो दोबारा वो नेचुरल डिजास्टर होने वाला हो और उस पर्टिकुलर रीपर जो है उसको पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस चीज़ को सुन देख के या उस चीज़ को वो फील करके दुखी और वो दुख भरा गाना गा रही हो। तो ये आज हमारा थर्ड स्टेंजा था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो है सॉलिटरी रीपर जो है पोएम वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ही इज़ नोन एज हिज फेमस वर्क लिरिकल बैलेड्स विच इज़ पब्लिश इन 1798 एंड ही वॉज अ ग्रेट ग्रेट रोमांटिक पोएट, ग्रेट एंड मेजर रोमांटिक पोएट, नेचर पोएट। सो स्टूडेंट, आप लोगों को सॉलिटरी रीपर जो पोएम है इसके तीन स्टेंजा मैंने एक्सप्लेन कर दिए, आई होप आपको ये तीनों स्टेंजा क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेंजा पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो है वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, मतलब जो भी वो गाना गा रही है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, उसका गाना एंड नहीं होना चाहिए, आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा है उसकी सिंगिंग को उसके काम करने वाले जगह मीन्स फील्ड में, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, वो अपना जो है धान को जो है इकट्ठा करती है, जो अपना औजार चलाती है उसके टाइम भी वो गाती रहती है, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं उसके गाने को सुन के एकदम मोशनलेस हो जाता हूँ, सुनता रहता हूँ और शांत हो जाता हूँ, एंड एज आई माउंटेन अप द हिल, और मैं जब पहाड़ी पे चढ़ता हूँ, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, तो ऐसा लगता है कि मैं उस म्यूज़िक को अपने साथ ही ले गया, मतलब जो ट्रेवलर है वो रुकेगा कुछ टाइम, उसने रुक के अगर इस रीपर का गाना सुन लिया तो वो एकदम मैस्मराइज हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, और जैसे जैसे वो आगे जाता रहता है उसको लगता है कि वो अपने हार्ट में कुछ लेकर गया है ना, गाने के बोल लेकर गया है, या उस पर्टिकुलर लड़की ने जो गाना गाया है उसका साउंड लेकर गया है, लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, और थोड़े टाइम के बाद वो जो गाना है वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी पहाड़ी पे चढ़ चुका है और वो लड़की का खेत जो है पीछे रह चुका है, और वो गाना सुनना धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये इसका मैंने नेक्स्ट स्टेंजा भी एक्सप्लेन कर दिया, पर अच्छे से एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है फोर्थ स्टेंजा एक्सप्लेन करूँगी, आप इसके जो जितने भी फोर पार्ट्स बनेंगे वन बाय वन सारे पार्ट्स देखें, आपको पोएम समझ में आ जाएगी। थैंक यू।